ਅੱਜ ਸਪਾਈਸ আগের সময় আমরা এসেছিলাম এই দিক থেকে অমৃতসর যেতে হয় এখন আমরা এই বাসে উঠেছি একটু ঘুরতে যাব বাঘা বর্ডারের ওইদিকে খাওয়ার প্ল্যান ছিল কিন্তু খাওয়া দাওয়া হলো না কি আর করা যাবে যাই হোক ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खराब किंतु ताओ कमे आरानो अन्न्य जगह प्रचुर ने किंतु घूरते खूब ही कम है कम ने बेस भलो लगल एटा बोलो सर बोलो सर चलिए ओके सो प्लीज लेट्स स्टार्ट आवर टूर सो प्लीज लुक योर राइट हैंड दिस इज स्टैचू ऑफ महाराजा रणजीत सिंह शेर ए पंजाब द लायन ऑफ पंजाब ये महाराजा रणजीत सिंह जी हैं जो पंजाब के राजा हुए ही वाज अ लास्ट ऑनर ऑफ कोहिनूर डायमंड जो हीरा था कोहिनूर वो इन्हीं के पास था इनका गोपिनीगढ़ फोर्ट बना हुआ है हम उधर विजिट करेंगे जहां उस हीरे को रखा गया था किला गोपिनीगढ़ के अंदर तो अपना पहला जो डेस्टिनेशन होगा दुर्गेना मंदिर होगा जिसका सिमिलर सेम गोल्डन टेम्पल की तरह बना हुआ फिर इनका फोर्ट आ जाएगा महाराजा रणजीत सिंह जी का गोपिनीगढ़ फोर्ट फिर साइट सीन करते हुए हम एक वॉर मेमोरियल विजिट करेंगे बहुत शानदार है वो भी देखने वाला वो अपनी इंडियन आर्मी से रिलेटेड है और लंच के लिए हम रुकेंगे शाही किला जो बॉर्डर पर ही बना हुआ असली जो शाही किला है वो पाकिस्तान में रह गया ये तो जस्ट एक ऐसा मेमोरी कह दो कि महाराजा रणजीत सिंह जी बोल बेच भालो है बोल लें बेच भालो लगलो वहीं से सिख अंपायर ये रेड कलर की अभी टेंपल आएगा जिसको सारागढ़ी बोला गया है গাইড কাকু নিয়ে যাচ্ছে আমাদের তিনি কোথায় নিয়ে যাবে দেখি আমার নিজেরই চশমা পড়া তুমি আমার চশমা দিচ্ছ আমরা দুর্গিয়ানা মন্দিরে যাব এখানে জুতো টুতো রাখতে হবে এদিকে गाइड काकू नहीं जाए दुर्गियाना मंदिर एखे नहीं जाए इन
নিয়ে তারপরে আমরা এখানে ঢুকবো। হনুমান মন্দির এইদিকে প্রাচীন শ্রী হনুমান মন্দির রাস্তা এইদিকে আমরা দিকে যাচ্ছি, মানে হনুমান মন্দির অনেক জিনিসপত্র। এই হচ্ছে মন্দিরটা, এই জায়গায় আসলে নিজের মনকে একটু শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আমি তো অবশ্যই বলবো। আসুন আপনারা। आखिरी बार इसको लेके मुझे रखा गया था यहाँ पर, ये पहले गुज्जर सिंह भंगी ने बनाया था, इसलिए इस किले को किला भंगियों का बोलते थे। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने इसको कैप्चर करके इसका नाम बदल दिया, किला भंगियों से किला गोविंदगढ़ हो गया, जो सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनके नाम के ऊपर ये किला है। गोल्डन टेम्पल से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है और महाराजा रणजीत सिंह ने इसको ऐसा गार्डियन बनाया कि पूरे अमृतसर को जो बाहर से हमलावर आते हैं उनको बचाया जाए इस शहर को, इसलिए इसको देखो बनाया गया। उसके बाद जो हीरा था कोहिनूर वो चला गया लंदन वालों के पास, जो आज लंदन म्यूजियम के अंदर रखा गया। हाँ हाँ हाँ, इस किले के अंदर विजिट करने के लिए टिकट्स होंगी एक नॉर्मल 45 की, जिसमें आप लोग किला विजिट करोगे। फिर अगर शो देखना है एक महाराजा रणजीत सिंह जी का 7D, जो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है 7D, उसकी 200। हमारा एन महाराणा रणजीत सिंह ओखने ढुकब जाना चार का से कोहिनूर छो तो तरह लंडने चले जाए कोहिनूर का, तो अपना टिकट टिकट काटते हैं से हिसाब से তুমি দেখিয়ে নি কি করেন, যেভাবে গাইড করবেন সেইভাবেই আমরা যাব। যে টিকিটের চেকিং টেকিং হচ্ছে এবার হলো টিকিট চেকিং টেকিং, তারপরে আবার যাবো। Thank you.
पंजाब को महापंजाब बना दिया। आओ शो देखने चलें। शो शुरू हो ढुकब शेरी पंजाब शेरडी ते शोटा हो देखब शेरडी ते शोटा शुरू हो रंजित सिंह डॉक्यूमेंट्री शुरू एखान तो सबाई तुम्हारे थ्री डी ग्लासेस फ्लैसेस पड़े रही है। मैं महाराजा की फौज विच सिपाही एक रात दसी चिट्ठिया खिलाफ एक जंग जीत के मुड़े थ्री डॉक्यूमेंट्री का देख रहा हूँ। रंजीत सिंह बेस भालो दारुण करे देखी পুরো থ্রি ডি এক্সপিরিয়েন্স করালো আমাদের বেশ ভালো। এখন মৌসুমী জুস খাবো আমরা, দেখি বানাচ্ছেন তিনি বসে বসে ঠান্ডা ঠান্ডা, বেশ ভালো। দেখি পোস্তা হবে কিছু খাবার দাবার খেতে হবে, নাহলে হবে না। এই তিন গ্লাস জুস খেলাম, ভালোই বানিয়েছে জুসটা, মুসম্বি পিওর মুসম্বি, ভালো ভালো ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল, আমার তো ঠান্ডাই ভালো লাগে, বেশ ভালো ভালো ছিল। এটা হলো মেন ফুড মহারানা রঞ্জিত সিং এর। তো এইদিকে হচ্ছে মিউজিয়াম টিউজিয়ামগুলো আছে, আর্ট গ্যালারি এইদিকে, এই হচ্ছে মিউজিয়াম এইদিকে, আর্মিদের হচ্ছে বিভিন্ন যে জিনিসপত্রগুলো আছে ওয়ারের যুদ্ধ করার জন্য উইপেন, সেগুলো সব এখানে রাখা আছে, তো সেখানে দেখা হবে। এই যে ওয়ারের যত জিনিসপত্র আর্মিদের আছে পাঞ্জাবের, thank you।